आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट दे रखा है 1200 न्यूटन पर मीटर। हमें बोला गया है वो माउंटेड है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे। एक ब्लॉक मास 3 mkg का फ्री साइड से अटैच्ड है स्प्रिंग के। तो हमें बोला गया है ब्लॉक को पुल करा गया साइडवेज 2 cm और फिर रिलीज कर दिया गया। तो हमें तीन चीजें पूछी है, स्पीड ऑफ द मास व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 cm, पोटेंशियल एनर्जी मास व्हेन इट मोमेंटली कम्स टू रेस्ट, और टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग मास। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। सबसे पहले सी पार्ट सॉल्व करते हैं। टोटल एनर्जी जो होती है, ये जो मोशन है ये SHM एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इसमें एक फोर्स लगेगा यहाँ, रिस्टोरिंग फोर्स, वो होगा KX के बराबर, ठीक है। तो इस वजह से ये, क्योंकि इक्विलिब्रियम की तरफ होगा जब हम इसे यहाँ पुल करेंगे, तो ये फोर्स जो होगा ये इक्विलिब्रियम की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, तो इस वजह से ये SHM एग्जीक्यूट करेगा। SHM की टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हमें दे रखा है एम्पलीट्यूड, वो हो गया 2 cm। तो हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी इसमें हाफ इंटू के, हमें दे रखा है 1200 इंटू 2/100 इंटू 2/100, ठीक हो गया। तो ये हम करेंगे 50, ये 25, तो हमारा जो इससे टोटल एनर्जी आएगी वो होगी 12/50 / 24/100.24 joules, ठीक हो गया। अब हम जानते हैं टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम देखते हैं सबसे पहला पार्ट। सबसे पहला पार्ट में हमें पूछा है स्पीड ऑफ द मास व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 cm। स्पीड ऑफ द मास है व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 1 cm। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल एनर्जी हमें मालूम है, हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी 1 cm तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ इंटू के इंटू वाई स्क्वायर। वाई इसमें होगा लेंथ जितनी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है या इलॉन्गेटेड है, ठीक है। तो इससे हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ इंटू, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 1200 इंटू 1/100 इंटू 1/100, ठीक है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे, तो इससे हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 0.06 joules। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगी हमारी 0.24 - 0.06, तो वो हो जाएगी 0.18 joules। अब हमें पूछा है कि स्पीड ऑफ द मास, स्पीड ऑफ द मास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। मास हमें एम दे रखा है, वो दे रखा है हमें 3 kg, ठीक हो गया। तो 0.18 इक्वल्स टू हाफ इंटू 3 × v², ठीक है। तो v स्क्वायर हमारा आ जाएगा इससे 0.12। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा v आएगा, वो होगा 0.34 m/s, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है, उसमें हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी जब v जीरो होगी। तो v इक्वल्स टू जीरो पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है क्या होगी, मतलब मोमेंटली
कम्स टू रेस्ट मतलब वी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो वी इक्वल्स टू जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वो हो जाएगी हमारी, उससे हमारा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी उस समय होगी 0.24 जूल्स। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।